हाय एवरीवन दिस इज वे आज का टॉपिक है हमारे डिस्कशन का हाईली इन्वेसिव स्नेल स्पॉटेड इन केरला तो केरला में एक ऐसा स्नेल मिला जो कि बहुत इन्वेसिव है यानी इन्वेसिव स्पीशीज है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टूगैदर वी कैन मेक अज डिफरेंस चाहे फेसबुक पे चाहे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पीडीएफ आपका सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा बाकी जो स्टूडेंट्स केरला स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करें उनको बता दूँ स्मार्ट कोर्स केरला पी एस सी का अवेलेबल है हमारे पास ई एम आई पे भी अवेलेबल है आप कॉल करके या वेबसाइट विजिट करके इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं अब देखिए पिक्चर में जिस तरह से आप देख रहे हैं ये एक स्नेल है जो कि इन्वेसिव स्पीशीज हैं इन्वेसिव स्पीशीज़ क्या होती हैं मैं आपको बताऊंगी अब रिसर्चर्स ने ये छोटा सा स्नेल स्पीशीज जिसका नाम फाइसेला एक्यूटा है और इसको एक्यूट ब्लैडर स्नेल भी कहा जाता है कॉमन नेम आप इसका ये बोल सकते हैं कोची एडापल्ली कैनाल जो कोची में है वहाँ पर उन्होंने इसको स्पॉट किया अब ये न्यूज़ में क्यों है बिकॉज दिस स्नेल इज़ हाईली इन्वेसिव स्पीशीज इन्वेसिव स्पीशीज किसी इकोसिस्टम में किसी इन्वायरमेंट में मिलना अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो वहाँ की जो ओरिजिनल स्पीशीज होती हैं उनको काफ़ी हार्म पहुँचा देता है क्यों वी विल नो वंस वी नो वॉट आर इन्वेसिव स्पीशीज तो ये आप देख सकते हैं ये न्यूज़ प्रिंट मीडिया में भी अब स्नेल बेसिकली क्या है ये एक गैस्ट्रोपॉड एनिमल है जो एक शेल के अंदर अपने आप को बंद कर लेता है इनक्लोज कर लेता है प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली अगर कोई प्रोडेटर उसको खाना चाह रहा है उस पर अटैक करना चाह रहा है तो अपने आप को शेल में छुपा लेता है ये एक डिफरेंट कैटेगरी है एनिमल्स की जो फाइलम मॉलिस्क के अंदर आती है सो दीज आर बेसिकली मॉलिस् अब हाउस होल्ड सिचुएशन में अगर आप देखेंगे घरों में जहाँ पे अगर स्नेल आ जाएंगे फ्रूट्स को वेजिटेबल्स को खराब कर देते हैं जब बारिश का सीजन होता है ये बहुत एक्टिव होते हैं विंटर्स में ये थोड़ा हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं दुनिया के हर कोने में स्नेल्स आपको मिलेंगे ऐसे पर्टिकुलर एरियाज नहीं है चाहे माउंटेंस हो गए डेजर्ट्स हो गए फॉरेस्ट हो गए ओशनस हो गए एवरीवेयर यू विल फाइंड दी स्नेल्स डिफरेंट स्पीशीज ऑफ स्नेल्स अपने छोटे साइज की वजह से जैसे जो छोटे एनिमल्स होते जैसे वो इनको खा जाते हैं वो उनका ये प्रे बन जाते हैं शिकार बन जाते हैं अपने छोटे साइज की वजह से अब लाइफ साइकिल इसकी यही है एडल्ट स्नेल आप देखेंगे फिर एग्स फिर एग्स हैच होंगे और देन इट विल ग्रो इन टू सब देन योर अगेन एडल्ट सो दिस इज हाउ देयर साइकिल लाइफ साइकिल वर्क इस तरीके का नॉर्मल आपको स्नेल दिखेगा एनलपोर न्यूमोस्टोम मैंटल यहाँ पे इसका हेड है माउथ है लोअर टेंट ओके अपर टेंट फुट तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नाउ कमिंग टू इन्वेसिव स्पीशीज बिकॉज आई सेड दिस स्नेल जो है ये इन्वेसिव स्पीशीज है अब इन्वेसिव स्पीशीज वो ऑर्गेनिज्म है जो एक पर्टिकुलर एरिया का ओरिजिनल निवासी नहीं है मतलब वो वहाँ पर ओरिजिनली नहीं था वो कहीं बाहर से आया है इट इज़ नॉट इंडिजीनियस पर्टिकुलर एरिया के लिए अगर हम बोलें अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये कोचिंग में मिला है तो ये पहले कोचिंग में नहीं था ये कहीं बाहर से आया है ये स्पीशीज़ लेकिन ये इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली उस एरिया के लिए हार्मुल हो सकता है वैसे सारे नॉन नेटिव स्पीशीज़ जो हैं वो इन्वेसिव नहीं होते बट uh, जो इन्वेसिव हैं उनको हम कैसे उनके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे इन्वेसिव स्पीशीज़ होने के लिए Uh, क्या चीज़ होती है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नंबर वन इन्वेसिव स्पीशीज उसको बोलेंगे जो बहुत ईजिली अडेप्ट कर ले किसी भी इन्वायरमेंट पे जाए आराम से अडेप्ट कर ले. उसको ईजी खाना भी मिल रहा है वो ग्रो भी कर रहा है दूसरा वो रिप्रोड्यूस करे क्विकली अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म कहीं का ओरिजिनल नहीं है बाहर से आया है और बहुत जल्दी नए एरिया में जाके रिप्रोड्यूस कर रहा है वो इन्वेसिव है तो इस वजह से ये प्रॉपर्टीज़ को हार्म कर सकते हैं इकोनमी को और वो हार्मफुल प्रूव होते हैं वहाँ के नेटिव बायोडाइवर्सिटी के लिए वहाँ के नेटिव प्लांट्स और एनिमल्स के लिए उस रीजन के लिए तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी में है तो हम उसको क्या बोलते हैं इन्वेसिव स्पीशीज अब इस स्नेल फाइसला एक्यूटा के बारे में बात करें ये स्नेल की स्पीशीज है नॉर्थ अमेरिका से माना जाता है कि ओरिजिनली वहां से है बट आज आपको हर कॉन्टिनेंट में मिलेगा एक्सेप्ट एंटार्टिका बहुत छोटा साइज होता है इसका गोल्डन येलो कलर की आप इसकी शेल ये देखिए देख सकते हैं और लेफ्ट ओपनिंग अपर्चर है इसकी शेल में यूजली जो आ, स्नेल्स होते हैं अगर प्रेडेटर शिकार करें तो वो अपने शेल के बीच में छुप जाते हैं लेकिन ये इतना क्लोज नहीं कर सकता अपनी शेल को ये जो ब्लैडर स्नेल्स होते हैं ये ट्विस्ट करते हैं अपनी आ, शेल को देखने में बहुत सुंदर लगता है इसलिए एक्वेरियम्स में यूजुअली आपको मिलेगा लेकिन जब भी इसको अगर एक्वेरियम में भी रखना हो तो बहुत केयर रखनी पड़ती है स्नेल की होम एक्वेरियम्स में स्पेशली इसे डील करने के लिए और पहली बार इसको रिपोर्ट किया गया था अर्ली नाइनटीन में इंडिया में और पहली बार अब ये केरला में रिपोर्ट किया गया तभी हम इसको आज डिस्कस कर रहे हैं हो सकता है ये माना जा रहा है कि केरला में ये कैसे पहुंचा एक्वेरियम ट्रेड से ही ये केरला में पहुंचा होगा और आ, इन्वेसिव स्पीशीज जो है ये मेजर वेक्टर भी है ये इन्वेसिव स्पीशीज के लिए फर्स्ट डिस्क्राइब किया गया था इसको इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था जेपीआर ड्रापर नॉट इन 185 फाइव फाइसिल्यूटा जो नॉर्थ अमेरिका में ये पाया जाता है और पहली बार इंडिया में 1990s में रिपोर्ट किया गया और अब केरला में अब जो ब्लाडर स्नेल्स हैं इसको जैसे कॉमन नेम में ब्लाडर स्नेल कहा जाता है हर्मोफ्रोडाइट हैं हर्मोफ्रोडाइट यानी मेल फीमेल ऑर्गन इनके एक ही एनिमल में आपको मिलेंगे प्रोलिफिक ब्रीडर्स हैं बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं और पल्यूटेड वाटर्स में भी रह लेते हैं दैट इज वाई आर इन्वेसिव ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में रह लेते हैं किसी भी चाहे एक्सट्रीम टेम्परेचर हो एक्सट्रीम सालेनिटी हो और एक्वेरियम्स को माना जाता है कि काफ़ी क्लीन रखते हैं इसलिए इनको एक्वेरियम में रखा जाता है और जैसे मैंने बताया कि हो सकता है एक्वेरियम ट्रेड से ये केरला पहुंचा हो और अब केरला की आ, ये जो कैनाल मैंने आपको बताई इसको इसने अपना घर बना लिया है और केरला में आपको ये अब हाईली पोल्यूटेड रीजन्स में भी मिलेगा क्योंकि मैंने कहा ये पोल्यूशन में भी इज़िली इज़िली रह जाता है उन उस पानी में जहाँ पे अनट्रीटेड सीवेज है कमर्शियल एफिलेंस आ रहे हैं वेस्ट आ रहे हैं इक्वेटिक एंड थिक ग्रोथ ऑफ इक्वेटिक वीड्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं हर जगह ये आपको बहुत ईजिली मिल रहा है अब केरला में अब इससे प्रॉब्लम ये है कि ये होस्ट है बहुत सारे वर्म्स का वो वाले वर्म्स जो कि फूड बॉन्ड डिजीजेस ह्यूमंस में कर सकते हैं या स्किन प्रॉब्लम्स कर सकते हैं सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग क्योंकि इससे फिर बीमारियां भी फैल सकती हैं इसका रैपिड ग्रोथ रेट है एयर ब्रीदिंग कैपेबिलिटी है पोल्यूशन को टॉलरेट कर रहा है तो नेटिव जो एनिमल्स हैं उनके लिए अभी एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन बन गया है इसका बिहेवियर जैसे मैंने आपको बताया अपने शेल को ट्विस्ट करता है प्रिडेटर से बचने के लिए अपनी शेल को फ्लिक करता है बैक एंड फोर्थ ये इसका बिहेवियर है स्पेशली अगर आप इसको देखेंगे और अपसाइड डाउन पानी में ये बहुत ईजिली स्विम कर लेता है बहुत तेज़ी से आ, ये खोद के ज़मीन में नहीं जा सकता इसलिए यूजुअली ये पानी को ही यूज़ करता है क्योंकि पानी में बहुत इजीली ये स्विम कर लेता है डिग नहीं कर सकता बट बहुत तेज़ी से क्रॉल कर सकता है क्यूसैट स्टडी बताती है इस ये एक थ्रेट है इन्वेसिव स्पीशीज़ ग्लोबल बायोडावर्सिटी के लिए भी क्योंकि इनमें ऐसी एबिलिट है एबिलिटी है कि ये इन्वायमेंट्स में डोमिनेशन शो करते हैं और सीरियस इकोनॉमिक लॉसेस करते हैं तो इस तरह से आप इनके बारे में और भी जगह काफ़ी अफ्रीकन सेल आ, स्नेल था जिसने केरला में इन्वेशन किया था देखिए इसके बारे में भी हमने एक बार डिस्कस किया था और ये नॉर्मल सफ एक फन फैक्ट है आपके लिए कि स्नेल्स मोस्टली ब्लाइंड होते हैं आ, बट अपने एंटीना से ही ये अंदाज़ा लगाते हैं क्या करना है इनकी स्लाइमी कोटिंग इस तरीके से होती है कि ब्लेड पे और जो चाकू होता है उस पर भी बहुत इजीली चल लेते हैं क्वेश्चन आपके लिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्नेल्स आर कोल्ड ब्लडेड इनवर्टी ब्रिट्स विद एन इनक्लोज शेल ऑफ हाइड्रेशन एंड प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन परपसेज ने इनएक्टिव ड्यूरिंग वेट सीजन एंड एक्टिव ड्यूरिंग विंटर सीजन सो आई थिंक इट्स वेरी ईजी आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके बता सकते हैं सही आंसर क्या वहाँ पे आपको आंसर पता चल जाएगा बाकी आप वेबसाइट विजिट कीजिए या एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज की जानकारी के लिए कोर्सेज ई एम आई पर भी अवेलेबल है थैंक यू सो मच